चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। केस स्टडी सेकंड सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एन आसना इज अ बॉडी पोस्चर। आसना या आसन जो होता है बॉडी का एक पोस्चर है। ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म ऑफ अ सिटिंग मेडिटेशन पोज। सेटिंग और मेडिटेशन का जनरल पोज होता है। एंड लेटर एक्सटेंडेड इन हठा योगा एंड मॉडर्न योगा एस एक्सरसाइज। मॉडर्न टाइप की और हठा योगा और योग टाइप की तो एक्सरसाइजेस है। टू एनी टाइप ऑफ पोज और पोजिशन, किसी भी टाइप का पोज या पोजिशन, एडिंग रेक्लिनिंग स्टैंडिंग रिवर्टेड ट्विस्टिंग एंड बैलेंसिंग पोजेस इन द फिगर। ये फिगर दिए हुए, वन कैन ऑब्जर्व दैट पोजेस कैन बी रिलेटेड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। कोई इसको ऑब्जर्व करता है, ये जो पोजेस है इसका जो अगर ग्राफ जैसे बनता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का ग्राफ बनता है। ऐसा देख रहा आपको ये ऐसा, मतलब ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये योगा के या मेडिटेशन के कुछ पोस्चर्स हैं। अधोमुखा सवाना ये है त्रिकोणा आसना, त्रिकोणा आसना, और ये अधोमुखा सवा आसना, सवासना, सवासना है ये, सवा सवाना लिखा है। क्वेश्चन है, चार एक क्वेश्चन उसके जवाब दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, द शेप ऑफ द पोजेस शोन इज। ये जो पोजेस दिख रहा है आपको इनका शेप किस टाइप का है, स्पाइरल है, एलिप्स है, लीनियर है, पैराबोला है। तो इस टाइप के जो भी क्वाड्रेटिक के जब भी आप ग्राफ बनाते हैं ऐसे, ये पैराबोला के ग्राफ बनते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जो शेप रहेंगे हमेशा या जो पोज रहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, वो पैराबोला के फॉर्म में रहते हैं। ये पैराबोला है, ये आपको आगे की क्लासेस में पता चलेगा, 11 क्लास में आएगा पैराबोला कॉनिक सेक्शन के अंदर। अभी आप इसको याद रखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोला के फॉर्म में बनता है। और पैराबोला चार टाइप के बनते हैं, एक ऐसा पैराबोला बनता है इसको राइट वर्ड पैराबोला कहते हैं, एक ऐसा पैराबोला बनता है इसको लेफ्ट वर्ड पैराबोला कहते हैं, एक ऐसा पैराबोला बनता है इसको अपवर्ड पैराबोला कहते हैं, और एक ऐसा पैराबोला बनता है इसको डाउनवर्ड पैराबोला कहते हैं। तो ये जितने पैराबोला बने हैं यहाँ पे, ये सब ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला बने। ये पैराबोला का शेप है या उसका पोज याद रखेंगे आप, याद रख सकते हैं पैराबोला, पी ए आर ए बी ओ एल ए, बी ओ एल ए, पैराबोला याद रहेगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता कई बार, तो आपको पैराबोला पर टिक करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, द ग्राफ ऑफ पैराबोला। देखो आगे भी लिखा पैराबोला के बारे में, ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ। पैराबोला का जो ग्राफ रहता है वो डाउनवर्ड्स मतलब नीचे की तरफ खुलता है इफ। कब वो नीचे की तरफ खुलता है, जब a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, a इज इक्वल टू जीरो होता है, a इज लेस देन जीरो होता है, a इज ग्रेटर देन जीरो होता है। देखो ये जो पैराबोला बन रहा है यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है ये सब में। ये नीचे की तरफ कब खुलता है, जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में जो a रहता है उसकी वैल्यू लेस देन जीरो होती है। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव क्वांटिटी रहती है। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। ये है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। इसमें ये जो a है ये a इज लेस देन जीरो कभी रहेगा तो जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ खुलेगा। और जब a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहती है ऐसी, तो वो जो पैराबोला रहता है वो ऊपर की तरफ खुलता है, अपवर्ड पैराबोला हो जाता है। और जब a की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होती है तो वो पैराबोला आपका ऐसा राइट साइड में खुलता है, और जब a की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू जीरो होती है तो पैराबोला का मुंह जो है ऐसा लेफ्ट साइड पर खुलता है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ, तो डाउनवर्ड कब होता है, जब a की वैल्यू लेस देन जीरो हो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, a इज लेस देन जीरो रहेगा तो वो नीचे की तरफ खुलेगा, याद रहेगा लेस देन जीरो, कभी इसी में अपवर्ड पूछता है वो तो a इज ग्रेटर देन जीरो पे लगा, कभी राइट वर्ड बोलता है तो a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और कभी लेफ्ट वर्ड बोलता है तो a इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। ऐसा तो यहाँ पर द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स इफ a इज लेस देन जीरो, अगर a की वैल्यू जीरो से छोटी है तो
वो जो है वो नीचे की तरफ खुलेगा, ओपन्स डाउनवर्ड्स। ओके चले देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द ग्राफ, ये ग्राफ दिया हुआ है, हाउ मेनी जीरोज आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, ये किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ है तो इसके कितने जीरोज होंगे। देखो ये जो ग्राफ है ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है -2 पे, और ये 4 पे, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो कितने जीरोज होंगे इसके, 2 जीरोज होंगे, 2 जीरो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2 जीरोज। 2 जीरोज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है लगा देंगे 2 पे टिक। द ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, देयरफॉर 2 जीरोज। रीजन मैंने आपको लिख के पहले बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं, खाली आपको टिक कर। ठीक है भाई 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन नोट करो, ग्राफ वही वाला रहे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द 2 जीरोज इन द अबव शोन ग्राफ आर, यही ग्राफ ऊपर था, इसमें 2 जीरोज कौन कौन से। आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जिन पॉइंट्स को ग्राफ टच करता है उतने जीरोज रहते हैं, जिस पॉइंट पर टच करता है वही एक्स की जो दो वैल्यूज रहेगी उसी को उसके जीरोज कहते हैं। तो देखो यहाँ पे टच कर रहा है, ये कैसा है, इधर -1 -2, तो -0.2 पे, -2 पे टच कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू -2 हो गया 1 जीरो, और ये क्या है 4 है, 1 2 3 4, एक्स इज इक्वल टू 4। तो जो दो जीरोस कौन कौन से होता है, -2 और 4। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, -2, 4। समझ आ रहा, ये दो जीरोस होंगे -2 और 4। 2 जीरोस इन द अबव शोन ग्राफ, इस ग्राफ में 2 जीरोस कौन से, एक है एक्स इज इक्वल टू -2 और एक एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यूज को जीरो कहते हैं, जब अपन पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल पुट करके सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, तो वही एक्स की वैल्यूज को उसके जीरोस कहते थे, एक्स की एक वैल्यू -2 आ जाएगी और एक वैल्यू 4 आ जाएगी, तो उसके 2 जीरोज हो गए -2, 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बस हो गए 4 क्वेश्चन, चलो आगे बताओ। चलो केस स्टडी 3rd को नोट कर लो आप, चलो देखो केस स्टडी 3, बास्केटबॉल एंड सॉकर। सॉकर जो है फुटबॉल का जो ग्राउंड रहता है उसको सॉकर भी कहते हैं, बास्केटबॉल अलग होता है, सॉकर मतलब फुटबॉल का ग्राउंड। आर प्लेड विद अ स्फेरिकल बॉल, दोनों भी गेम स्फेरिकल बॉल से खेले जाते हैं। इवन दो एन एथलेट ड्रिबल्स द बॉल इन बोथ स्पोर्ट्स, अ बास्केटबॉल प्लेयर यूजेस हिज हैंड्स एंड अ सॉकर प्लेयर यूजेस हिज फीट। बास्केटबॉल का जो प्लेयर है वो हाथ से फेंकता है बॉल को, और जो सॉकर का रहता है या फुटबॉल वाला जो प्लेयर रहता है वो पैरों से मारता है। मालूम है यूजुअली सॉकर इज प्लेड आउटडोर्स, सॉकर जो आउटडोर खेला जाता है बाहर खेलने का गेम, ऑन अ लार्ज फील्ड, एंड बास्केटबॉल इज प्लेड इंडोर ऑन अ कोर्ट मेड आउट कोर्ट का बना रहता है, मेड आउट, ये इंडोर गेम है कौन सा, बास्केटबॉल, और सॉकर या फुटबॉल जो है वो आउटडोर गेम। द प्रोजेक्टाइल पाथ ट्रेस्ड ऑफ सॉकर बॉल एंड बास्केटबॉल आर इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, उसका जो प्रोजेक्टाइल पाथ है सॉकर का और बास्केटबॉल का वो किसके फॉर्म में रहता है, पैराबोला के फॉर्म में रहता है, रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, और पैराबोला हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये देखो ये पैराबोला बना हुआ है, ये बना हुआ है सॉकर फील्ड का, ये स्टाइल का, ये सब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ग्राफ है, ये पैराबोला के फॉर्म में रहते हैं, ये भी पैराबोला है ये भी पैराबोला। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द शेप ऑफ द पाथ ट्रेस शोन इज, तो पाथ ट्रेस कर रहा है जो दिखा रहा है पिक्चर के अंदर वो कौन सा है, स्पाइरल है, एलिप्स है, लीनियर है, पैराबोला, कौन सा है, पैराबोला, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का जो पाथ रहेगा हमेशा या उसका जो ग्राफ रहेगा याद रखिए हमेशा पैराबोला ही हो, ठीक है। और पैराबोला 4 टाइप के होते हैं, एक होता है राइटवर्ड पैराबोला, जो राइट राइटवर्ड या राइट हैंडेड पैराबोला करते हैं, राइट हैंड की तरफ उसका मुंह खुला रहता है, एक होता है लेफ्टवर्ड पैराबोला, लेफ्ट हैंड के साइड उसका मुंह खुला रहता है, या लेफ्टवर्ड पैराबोला बोलते हैं या लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, एक होता है अपवर्ड पैराबोला ऊपर की तरफ उसका मुंह खुला रहता है, एक रहता है डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, पैराबोला जो है ओपन अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ खुल रहा है, जब ऊपर की तरफ खुलेगा मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ए इज ग्रेटर देन 0। डाउनवर्ड के लिए करे थे अपन इसके पहले, तो उसमें ए इज लेस देन 0 आया था,
वर्ड के लिए उसका मुंह किसके तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ अगर खुलेगा कब, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी, जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल रहता है इसमें ये जो ए है ये ग्रेटर देन जीरो होगा किसके लिए, अपवर्ड पैराबोला के लिए, जब वो ऊपर की तरफ खुलेगा उसका मुंह उसके लिए ए इज ग्रेटर देन जीरो, और जब नीचे की तरफ उसका मुंह खोलता है ओपन डाउनवर्ड्स रहता है तो ए इज लेस देन जीरो होता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, ये ग्राफ दिया इसको ऑब्जर्व करना है और क्वेश्चन के जवाब देना है। इन द अबव ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के लिए इस ग्राफ के कितने जीरोस है, देखो तो ग्राफ ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतने जीरोस होते हैं, तो देखो एक जगह यहाँ कर रहा एक जगह यहाँ कर रहा तो एक जगह यहाँ कर रहा, तो कितने जीरोस हो जाएंगे इसके, तीन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बता दो डी पे टिक, समझ में आता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, तीन जीरोस होंगे इसके, एक जीरो ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पे कट कर रहा है। द थ्री जीरोस इन द अबो शोन ग्राफ आर, ग्राफ एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे कट कर रहा है वो जो एक्स की वैल्यू रहेगी वही उसके जीरोस होंगे, ये दिया हुआ है आपको, ये टू दिया हुआ है एक जगह यहाँ कट रहा है, एक्स इज इक्वल टू टू एक ही हो जाएगा, एक यहाँ पे कट कर रहा है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन लिखा है, ये माइनस टू और ये माइनस थ्री है, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा टू माइनस वन और माइनस थ्री, टू ये टू माइनस वन और माइनस थ्री, ये दिख रहा है सी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लो ऑप्शन सी में एक तो टू दिख रहा है, ये वाला पॉइंट टू है, ये बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको, देख रहा ये टू दिख रहा है, एक्स की बार यहाँ पे कट कर रहा था एक्स इजिकल टू टू, यहाँ पे एक्स इजिकल टू माइनस वन दिख रहा है और यहाँ पे एक्स इजिकल टू माइनस थ्री दिख रहा, तो टू माइनस वन और माइनस थ्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये छपा हुआ है यहाँ एक्स की वैल्यू, ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट। हो फिफ्थ नंबर है, व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, तीन जीरोज है इसके इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस सिक्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसके भी तीन जीरो से इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल रहता है उसका भी फॉर्म रहता है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये बात, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स, सॉल्व करके बताओगे इसको ये आएगा कि नहीं आएगा, देखो फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यस क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गेमा प्लस गेमा अल्फा इंटू एक्स प्लस था माइनस अल्फा बीटा गेमा, ये फॉर्म होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब देखो आपके पास में तीन जीरोस है, क्या क्या है, माइनस थ्री माइनस वन टू, देख रहा है ये एक्स की तीन वैल्यूज, एक को अल्फा ले लो एक को बीटा ले लो एक को गेमा ले लो, यही वाले तीन जीरो उसको जो उसके पहले वाले क्वेश्चन में आए थे ना, और यहाँ ले लो आप लेट अल्फा इजिकल टू माइनस थ्री बीटा इजिकल टू माइनस वन गेमा इजिकल टू टू, यही वाले तीन जीरो दे लिया मैंने, ये माइनस थ्री माइनस वन और टू, ये वाली वैल्यूज यहाँ रखना है आपको, यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म आ जाएगा, रखो ये के को ऐसे रहने दो, एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गेमा, के अल्फा है माइनस थ्री बीटा है माइनस वन और गेमा है टू,
एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा बीटा, अल्फा है आपका -3, बीटा है -1, प्लस बीटा है आपका -1 और गेमा है आपका 2, प्लस गेमा है आपका 2 और अल्फा है आपका -3 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गेमा, अल्फा है -3, बीटा है -1 और गेमा है 2। इसको सॉल्व करो, ये के इंटू एक्स क्यूब, ये माइनस ये कितना हो जाएगा, -3 -1 -4 और +2 हो जाएगा -2, ये एक्स स्क्वेयर प्लस ये क्या होगा, देखो -3 इंटू -1 करेंगे तो +3, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2, और 2 इंटू -3 करेंगे तो -6, और ये x ये वाला, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं -3 और ये -1 का इंटू 1 2 3, 3 बार माइनस दिख रहे तो माइनस आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -6। ध्यान से करना, ये के इंटू ये एक्स क्यूब, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2x2, ये 3 -2 -6 -8 और +3 कितना हो जाएगा, -8 +3 -5 हो जाएगा, -5x, और ये -6। यहाँ पर अपॉन में कुछ भी नहीं है तो k की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1, पुट k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1 रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 एक्स क्यूब प्लस 2x² -5x -6, 1 का इंटू करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2x² -5x और ये -6। देखो विच ऑप्शन इज करेक्ट, एक्स क्यूब प्लस 2x² -5x -6, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, लिख दो यहाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, करेंगे ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है भाई, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, हटा दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, फॉर्म याद कर लेना, क्यूबिक पॉलीनोमियल के फॉर्मूले मैंने आपको याद करने का बोला ही था वैसे ही। ये डायरेक्ट अल्फा बीटा गेमा की वैल्यू यहाँ से अपन ले लिए जो इसके जीरोस थे और उसके अंदर रख के सॉल्व करनी थी, और 5 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर। ठीक है ना, तो इट्स इनफ फॉर टुडे।